हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। खबर जो है अच्छी नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या गुरुवार यानी आज अभी कुछ देर पहले 10 लाख के पार पहुंच गई है। परेशानी वाली बात क्या है, वो ये है कि संक्रमितों की बढ़ने की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो चुकी है कि अभी सिर्फ 3 दिन पहले 13 जुलाई की रात को ये आंकड़ा 9 लाख हुआ था और अब 3 दिन भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं और देश में 1 लाख मामले और बढ़ गए हैं और अब मामला 10 लाख हो गया है। आइए जल्दी से पूरी खबर को डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 10,01,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। वेबसाइट है covid19india.org, ये आंकड़े वहाँ से उठाए गए हैं। इसमें से 3,41,000 एक्टिव केस हैं और 6,33,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 25,500 लोगों से ज़्यादा कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा भी चुके हैं। अगर भारत में 10 राज्यों की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, तो महाराष्ट्र 2,84,000 केसेस, आज वहाँ पे 8,600 से ज़्यादा केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 1,56,000 केस, वहाँ पे भी आज 4,500 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं। दिल्ली 1,18,000 से ज़्यादा केसेस हैं और आज 24 घंटे में 1,652 केसेस आए हैं। कर्नाटक में भी 50,000 केसेस क्रॉस हो चुका है, 51,000 से ज़्यादा केसेस हैं, आज 4,100 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे भी आए हैं। गुजरात में 45,567 केसेस, वहाँ पे 919 केस आए 24 घंटे में। उत्तर प्रदेश में पहली बार 2,000 से ज़्यादा केसेस 24 घंटे में आया है, 43,441 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे हैं। तेलंगाना उसके बाद 39,342, आंध्र प्रदेश 38,000 से ज़्यादा केसेस हैं, वेस्ट बंगाल 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं और राजस्थान नंबर 10 पे 26,580। अब देखिए, केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी चिंता की बात है, 3 दिन से भी कम समय में जो है 1 लाख संक्रमितों की संख्या बढ़ना चिंता की बात है। एक वजह यह भी है कि अब टेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ा है वो काफ़ी टेंशन देने वाला है। देखिए, एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए, जितना हो सके घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज़्यादा घुलना मिलने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से आंकड़ा बढ़ेगा तो बहुत जल्दी हम दुनिया में अभी नंबर 3 पर हैं, अमेरिका और ब्राज़ील हमसे आगे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में हम ब्राज़ील को पीछे छोड़ के नंबर 2 पर आ जाएं। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अगर मजबूरी में निकलना हो तो सैनिटाइज़र, फेस मास्क, ग्लव्स सब कुछ लेकर जाइए और जितना हो सके भीड़ से बचिए। टेक केयर, नमस्कार।